सब, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव एंड आई एम ए बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगोरी सिंस 14 ईयर्स। तो माई डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज का, ठीक है। तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त, कि वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक चुटकुला सुनाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के स्किप मत करिएगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ मेडिसिन के कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड बताने वाला हूँ, उस चीज़ को भी दिमाग में रखिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में इसे अप्लाई मत करिएगा, सेल्फ मेडिकेट मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो बाबू अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में आपका एक वर्ड आता है, वो वर्ड कौन सा है बाबू? वो वर्ड है आपका पाम। कौन सा वर्ड है? पाम, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं उस वर्ड का नाम क्या हो जाएगा, पाम वर्ड आता है, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलिएगा, देखिए पाम वर्ड आता है तो आप समझ लीजिए कि ये दवा जो है एंटी एंग्जाइटी है, यानी चिंता तनाव को क्या करेगा, ख़त्म करेगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में लाम वर्ड भी आता है, कौन सा वर्ड आता है, लाम वर्ड आता है, तो इसका भी मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये दवा क्या है, एंटी एंग्जाइटी है, यानी ये दवा क्या करती है, चिंता और तनाव को दूर करती है, ठीक है। आइए हम कुछ मेडिसिन का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ डाइजेपाम, कौन सा टेबलेट है, डाइजेपाम, ठीक है। दूसरी टेबलेट की मैं जानकारी आपको दे दूँ, अल्प्राजोलम, कौन सा टेबलेट, अल्प्राजोलम टेबलेट। तो ये जो दवा है अल्प्राजोलम और क्या डाइजेपाम, ये दवा क्या है, तो आपका एंटी एंग्जाइटी, आप देख रहे हैं ना लास्ट में आपका क्या लगा हुआ है, लास्ट में कौन सा वर्ड है, तो पाम है और लाम है कि नहीं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि दवा को आप बिना डॉक्टरी परामर्श के मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब दवा सेडेटिव होते हैं, आपको नींद आने लगेगा, ठीक है। चलिए, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं भाई, इसलिए आप क्या करिए, इस दवा को लीजिए ही मत, अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो आप डॉक्टर्स के कंसल्ट में ही रहिए, तब इसका यूज करिए, ठीक है। चलिए, तो बाबू हम लोग बात कर रहे थे कौन सा फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। तो मुझे आगे क्या देखना है, तो आइए हम लोग को आगे जो देखना है वो क्या है, जो प्लांट एनुअल होते हैं और बाइनियल होते हैं, क्या बोल रहा हूँ गौर करिए, जो प्लांट कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं और कैसे होते हैं, बाइनियल। एनुअल प्लांट वैसा प्लांट होता है जो एक साल में अपना फल फूल दे देता है, उसको हम लोग काट के हटा देते हैं या सूख जाता है, ठीक है। और बाइनियल प्लांट जो होता है, एक क्या होता है, दो सीजन में, एनुअल प्लांट एक सीजन में, बाइनियल प्लांट दो सीजन में, ठीक है। अगर क्या कर रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि न वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कट हम लोग उसमें शो कर सकते हैं। अरे भाई, जो प्लांट एक सीजन में आएगा उसमें आप क्या देखेंगे, वो प्लांट आप लगाएंगे धीरे धीरे बड़ा होगा, मतलब उसमें कौन सा फेज आएगा आप बताइए, बड़ा हो रहा है ना, तो उसमें आएगा वेजिटेटिव फेज, फिर उसमें फ्लावरिंग लग जाएगा, कौन सा फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, आप फ्रूट खा लेंगे, उसके बाद ये प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, डेड कर जाएगा। तो ये प्लांट हमारा हुआ एनुअल प्लांट, अगर दो सीजन में ये प्लांट मैच्योर हो रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहा है, ठीक है, तो दो सीजन लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं बाइनियल प्लांट। तो जो प्लांट एनुअल हो या बाइनियल प्लांट हो, एक वर्षीय हो या द्विवर्षीय हो, वैसे प्लांट में हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं क्या, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंस फेज को। लेकिन जो प्लांट पेरिनियल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, सालों साल आप क्या खा रहे होते हैं, फल खा रहे होते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि एक बार मैंगो फ्रूट दे दिया तो आप काट के फेंक दे रहे हैं, वो क्या है, पेरिनियल प्लांट है। तो जो पेरिनियल प्लांट होगा, उस प्लांट में हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वेजिटेटिव फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को और किसको, सेंसेंट फेज को, याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए। जो बहुवर्षीय प्लांट होता है, पेरिनियल प्लांट होता है, उसमें काफ़ी मुश्किल होती है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किस चीज़ को, तो
वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, क्या है, सम प्लांट एक्सिबिट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कुछ प्लांट वैसे भी होते हैं जिसमें फ्लावरिंग अनयूजुअल होती है, असाधारण रूप से होती है। इसका क्या मतलब होता है? तो मतलब ये है बाबू कि देखिए, बैम्बू स्पेसीज जो होगा फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। जो बांस का प्लांट होता है, बैम्बू प्लांट होता है, वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, ठीक है, फ्रूट बनते हैं और फ्रूट डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो समय कितना है? तो आफ्टर 50 to 100 years, यानी 50 से 100 साल के बाद, ठीक है। बांस में क्या होता है, फ्लावरिंग होता है ना, और लार्ज नंबर ऑफ क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्या बनते हैं बाबू, फ्रूट बनते हैं, और फ्रूट क्या हो जाते हैं, डाई। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा स्पेसीज है जिसमें 50 से 100 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, बैम्बू स्पेसीज। ठीक इसी तरह हम आपको दूसरा एग्जांपल बताना चाहते हैं, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। कौन सा प्लांट, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे हम लोग बोलते हैं नीला कुरेंजी। क्या कहते हैं दोस्त, नीला कुरेंजी, ठीक है। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी, ये वैसा प्लांट है जो हिली एरिया में पाया जाता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका फूल जो होता है ब्लू कलर का होता है, और रोड पे आप जो पहाड़ी वाला जो रोड होता है उस पर एकदम लगेगा कि एकदम कालीन सा बिछ गया, एकदम ब्लू कलर का एकदम बिछा हुआ दिखेगा, ठीक है। जो जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है देखने में, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं फ्लावर, ठीक है। 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुआ था, अक्टूबर सितंबर महीने में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। 2006 में इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग हुआ था, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, फिर 12 साल बाद इसमें हुआ होगा, ठीक है। तो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो होगा उसमें फ्लावरिंग कितने वर्ष में होता है, तो 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग होता है। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना को क्या बोलते हैं, नीला कुरेंजी, राइट। क्लियर हो गया, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। आगे बढ़ते हैं, इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंज पीरियड टू रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। देखिए, एनिमल में हम जुवेनाइल फेज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन कि मैं बात करें, तो ह्यूमन में क्या होता है, जब बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा होता है, मिडिल स्कूल में पढ़ रहा होता है, हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है, 6, 7, 8, 9, 10 का स्टूडेंट होता है, तो उसमें क्या आप देखते हैं, उनके बॉडी पे आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, आवाज़ में चेंजेज आने लगते हैं, बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंज आने लगते हैं, कि नहीं। अरे भाई, उसमें हार्मोनल चेंज होता है, इसीलिए तो आता है ना, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंज आता है। आता है कब आता है चेंज, वो चेंज आता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्टार्ट होने से पहले, और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्टार्ट होने से पहले वाला फेज क्या कहलाता है, किशोरावस्था, अर्थात जुवेनाइल फेज। कौन सा फेज कहलाता है, किशोरावस्था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। क्लियर हो गया, याद रखिए। बर्ड्स लिविंग इन नेचर, नेचर जो पक्षियाँ नेचर में रहती है बाबू, उसमें क्या होता है, तो ले एग, अंडा देती है, ओनली इन सीजनली। जो पक्षियाँ आपके सराउंडिंग में आप देख रहे होते हैं, तो पक्षियाँ क्या करती है, सीजन जब उसका आता है तो अंडा देती है, देती है कि नहीं। हाउएवर, इसके बावजूद भी, बर्ड्स इज कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है क्या, पोल्ट्री फॉर्म में रहने वाला जो पक्षियाँ होती है, कैप्टिविटी का मतलब होता है वैसे पक्षियाँ जिससे हम लोग कॉमर्शियलाइजेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, फार्म में रख रहे हैं, तो जो कैप्टिविटी जो हमारा होता है पक्षियों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो फार्म्स में रहते हैं पक्षियाँ, कैन मेड फॉर ले एग, उसे हम इंजेक्शन दे करके या उसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई करके हम लोग क्या कराते हैं, तो हम लोग इस ढंग से उसको तैयार कराते हैं कि वह सालों भर क्या देते रहे, अंडा देते रहे। तो वो क्या हुआ भाई, वो उस चीज़ को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, जो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सीजनली पक्षियाँ जो होती है वो सीजनली अंडे देती है, लेकिन जो पोल्ट्री फार्म में जो होती है उस बर्ड्स को क्या होता है, उस बर्ड्स में हम लोग क्या कराते हैं, तो कैपिटेटिव बनाते हैं, क्या चीज़ करने के लिए, तो पूरे सालों भर अंडे को देने के लिए। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्या है, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, तो हम आपको आगे पढ़ाने वाले तीसरा चैप्टर में, कि जो मदर और यूटेरस होते हैं उसके बीच में आपका क्या होगा, एक टेम्पोररी कनेक्शन बनेगा, किसके बीच में, मान लीजिए कि आपका यूटेरस है, ठीक है,
आपका नहीं, जो लेडी है उनका यूटेरस है और एक फीटस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाभि रज्जु, ये आपको दिखाई दे रहा है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन जो होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू किस में पहुँचेगा, तो आपका भ्रूण में पहुँचेगा, फीटस में पहुँचेगा। ये प्लेसेंटा है और ये जो प्लेसेंटा बन रहा है, तो जिस मैमल्स में प्लेसेंटा बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। तो याद रखिए, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, उसे हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमेट्स, प्राइमेटा, ठीक है। जो प्राइमेट्स होंगे क्या बोलेंगे उसको, मैं बता देता हूँ, प्राइमेट्स उसको बोलेंगे, ठीक है, प्राइमेट्स बोलिएगा। तो जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं, उनमें फीमेल वाले में आप देखेंगे कि साइक्लिक चेंज होते रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटल मैमल्स में या प्राइमेट मैमल्स में, ठीक है। चलिए, तो द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एक्सिबिट्स, मतलब दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो साइक्लिक चेंज इन देयर ओवरी, उनके ओवरी में साइक्लिक चेंज होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एसेसरी डक्ट में, एसेसरी डक्ट में भी चेंज होता है, फेलोपियन ट्यूब हो गए, यूटेरस हो गए, इवन आप बोल सकते हैं हार्मोन में चेंज होते हैं, ठीक है। कब चेंज होते हैं, तो पूरे महीने में चेंज होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका जनवरी का महीना है, तो पहला 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसे 30 डेज, इसमें कुछ ना कुछ क्या होते रहेगा, तो बॉडी में चेंज होगा। वो चेंज बॉडी ऑर्गन्स में बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन में होगा और हार्मोनल में चेंज आएगा, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट में हो रहा है, किस में हो रहा है, प्राइमेट में हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर नॉन प्राइमेट में हो रहा है, किसमें, नॉन प्राइमेट कहने का मतलब, नॉन प्राइमेट कहने का मतलब होता है कि भाई जैसे काउ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, डियर हो गया, टाइगर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन प्राइमेट्स के, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, उनमें दूसरा टाइप का साइकिल चलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ओएस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल फीमेल में बढ़ता है, जिसके कारण फीमेल जो होती है काऊ बफेलो, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए हीट कर जाती है, वो गर्म होने लगती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ओएस्ट्रस फेज, क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस फेज या हीट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एक्सिबिट्स साइक्लिक चेंज इन देयर ओवरी एसेसरी डक्ट एंड हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज करने का मतलब ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव फेज कितना है फीमेल में, आप बात करें तो 45 to 50 years, अरे भाई इतना ही ना, 45 से 50 वर्ष के बाद तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज जो महिलाओं में होगा, उस दौरान क्या होते रहता है कि हार्मोनल चेंज होता रहता है, सेक्सुअल ऑर्गन में चेंज आते रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इन इट इज कॉल्ड ओस्टर साइकिल इन नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट के केस में क्या बोलेंगे, इसे ओस्टर साइकिल बोलेंगे, जैसे काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है। लेकिन प्राइमेट के केस में हम लोग क्या है, प्राइमेट है, ह्यूमन हो गए, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिबन हो गया, गिबन वो सब मंकी हो गए, उस सब को क्या बोलेंगे, प्राइमेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, मैं मंकी, एप और ह्यूमन, ठीक है। तो चलिए बाबू, इतना समझ में आ गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रल साइकिल, अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये दोनों को हम लोग बोलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चल रहा है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के आधार पे एनिमल्स को हम लोग दो कैटेगोरी में क्लासीफाई किए हैं। इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन बाबू बातें के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक चुटकुला भी बताने वाला हूँ दोस्त। तो चलिए चुटकुला का स्टार्ट करते हैं। चुटकुला क्या है ये समझते हैं। मालिक पूछता है नौकर से, बताओ टाइम क्या हो रहा है। नौकर, मुझे टाइम देखना नहीं आता है मालिक। फिर मालिक बोलता है, घड़ी देख कर बताओ कि दोनों सुई कहाँ है। फिर नौकर बोलता है, दोनों सुइयाँ तो घड़ी में है मालिक। समझ में आया, फनी लगा, अगर फनी नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फनी चुटकुला के साथ। लेकिन उससे पहले चलते चलते बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।